राम राम भाई सारा ने। मैं तारा आपका अपना मोहित अलावत और आज का अपना टॉपिक आ गया नाउन। नाउन ने समझण ते पहले तुमने बेरा होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तुमने पहले भी पढ़ा होगा कदे पार्ट ऑफ स्पीच होवे के है, कदे ना कदे तो नाम सुनिया होगा। तो देख लियो आज पार्ट ऑफ स्पीच के होवे है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कई शब्दा ते मिलकर एक सेंटेंस बनाएगा और सेंटेंस ते मिलकर भाषण बनाएगा। तुमने बेरा होगा इस बात का। तो इस देखो इसके स्पीच के पार्ट क्या बनेगी अंग्रेजी का शब्द है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रपोजिशन, सातवा कंजक्शन, आठवा है अपना इंटरजेक्शन। इन आठ पार्ट तब मिलकर एक स्पीच तैयार हो जाएगा भाई। इन आठवां पढ़ांगा भी बारी बारी सर। पहला ही देख लो अपना नाउन, इब अपना टॉपिक आ गया नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या आ गया तुमने पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग। हिंदी में नाउन ने क्या करा भाई संज्ञा। के क्या करा संज्ञा तो हमने पढ़ी होगी। संज्ञा की परिभाषा का अगर है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इवा जो या संज्ञा हिंदी वाली है उसने इंग्लिश में नाउन कह देवा हा और कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। इब इसकी डेफिनेशन ने समझो भाई। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन आदमी, प्लेस स्थान थिंग। इब अपने इस पूरी दुनिया में जितने भी आदमियों के स्थाना के वस्तुओं के नाम है उन ना भी किसी नाम ते बुलावा हा तो उनका जो नाम है वो नाउन कहलावेगा। सीधी सी बात है अपने देसी साहब में कोई भी नाम हो वो नाउन कहलावेगा। इब नाम तो बहुत सारे है आदमिया के, लुगाइया के, छोरिया के, छोरिया के, यहां तक की घर का भी नाम है, हवा का भी नाम में है हवा है, धातु सोना चांदी। तारा घर में जितने भी डांगर है भैंस गां ये सारे नाउन है। दीवार कांध ये जितनी भी चीज आएगी ये सारी नाउन है। के है नाउन। तो इब इस हिसाब से तो हर एक चीज होगी नाउन। लेकिन तार्किक इंग्लिश ग्रामर वाले ने समझाने खातर इन नाउना के भी बना दिए कई भाग जिस तरह तारा नु समझ में आ जावे अक नाउन वस्तु में है। के नाउन के सब पार्ट देखो भाई के बनाए शुरू में अंग्रेजी वाले ने। पहला बनाया काउंटेबल, दूसरा बनाया अनकाउंटेबल। के अपना पहला काउंटेबल, काउंटेबल, दूसरा बनाया अनकाउंटेबल।
जिस हिसाब से तुमने नाम तो मेरा पट गया होगा, काउंटेबल काउंटेबल आप उसने कहवांगे जिसकी आप गिनती कर सका। गिनती किस हिसाब से? एक दो तीन चार आग लग। तो देखो आप किस किस चीज की गिनती कर सका। हाँ ये मेरा हाथ में क्या है मार्कर, मार्कर की भी गिनती कर सका आप। एक मार्कर, दो मार्कर, तीन मार्कर। पेन की भी गिनती कर सका आप। एक पेन, दो पेन, तीन पेन। ये मोबाइल फोन, इनकी भी गिनती कर सका आप। एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल। मोबाइल, चेयर, टेबल। इस हिसाब जिनकी आप गिनती कर सका, एक दो तीन चार, इस क्रम में वे हो जाएगी अपनी काउंटेबल नाउन। इब देखो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल वो आया करे जिसकी गिनती नहीं होती, जिस तक मापा या तोलिया जावे, मापा या तोला जावे। इवनू बताओ मैंने पानी की गिनती कर सका पा? एक पानी, दो पानी, तीन पानी। कोनी कर देना है इनकी तोलांगे, इनकी यूनिट बनाई गई है अपन लीटर किलो इस हिसाब से। तो देखो दूध न भी मापांगे या तोलांगे, मिल्क वाटर भी हिसाब था मापी मापे या तोलिया जाओगे तुमने बेरा। ऑयल हो गया अपना, और जिन चीजा की गिनती नहीं कर सकते उनने भी लिख दे तभी अनकाउंटेबल ना उनमें आगे समझ में। जिनकी गिनती कर सका हाँ वह काउंटेबल, जिनकी गिनती नहीं कर सकते, जिनकी मापया तोलिया जाओ और जिनकी गिनती नहीं कर सकते अपा, वे सारी आ जाएगी अनकाउंटेबल नाउन में। तुमने बेरा है अवा नाउन है, किसी का भी नाम होगा नाउन है। ये फीलिंग आ गई, फीलिंग भी नाम है जाता है, या भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। ईव जितने भी एक्सप्रेशन है, माइंड की अवस्थाएं हैं, ये सारे नाम है तुमने बेरा है, ये सारी अपनी अनकाउंटेबल में आ जाएगी। जितनी भी अपनी धातु होगी, सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जितनी भी अपनी धातु होगी ये सारी आ जाएगी अनकाउंटेबल नाउन में। ये नाउन आ रहा है ना, नाउन समझाने खातिर तात्विक बना इनके दो सब पार्ट, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। ये आ गई तारा समझ में? तो ये भी इन तक और गहराई तक समझाने खातिर इनके भी बना दिए पांच पार्ट। तीन बनाए काउंटेबल नाउन के और दो बनाए अनकाउंटेबल नाउन के। तो देखो इन पहला बनाया काउंटेबल नाउन का पार्ट कॉमन नाउन, दूसरा बनाया प्रॉपर नाउन, तीसरा बनाया कलेक्टिव नाउन, और इसे डाल अनकाउंटेबल नाउन के भी दो पार्ट बनाए। पहला बनाया दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा बनाया दिया मटेरियल नाउन। इस नाउन के पार्ट का हो गया अपना पर टोटल एक दो तीन चार पांच, पांच पार्ट हो गए नाउन के। ये दो नाउन के सब पार्ट है। इब आज नेक करके समझांगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, जिस हिसाब से तभी देख दे जाओगे उस हिसाब से तारी ये सारे क्लियर होते जाओगे। इब नाउन का अपना पहला पार्ट देखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ने देख लिया अपना देसी साबित है सीधा नाम, कोई भी नाम है किसी भी चीज का वो अपना प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अपना देसी एग्जाम्पल आता समझाएंगे। ये नाम दिख दे होगा तमना, रामफल, रमेश, सुरेश, शांति, बाला, विमला। आसन की बात को नहीं समझ लो, आओगी तारा समझ में। जो ऊपरले नाम है तमने बेरा है, ये आदमिया के नाम है, आदमिया ने क्या कहा करा मैं। ये निचले नाम हो गए, ये हो गए उमैन के, लुगाइया के, बोलू गोलू अपना देसी नाम है। छोरा खतर, काली धोड़ी, ये भी अपने देसी नाम है छोरियां की। किसी भी शहर का नाम हो आसी, हिसार, जींद,
ये सारे आ जाएंगे अपने प्रॉपर नाउन में, क्योंकि नाम है, कोई भी नाम है, किसी भी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, सारे नाम जितने भी नाम है वे अपने प्रॉपर नाउन में आवेगे। इव देखो अपना कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ना विदेशी शब्द है, समझांगे तो घनी सारी चीजा खातर एक नाम इस्तेमाल करना, एक नाम का प्रयोग करना, अब अपनी कॉमन नाउन हो जाएगी। इवन देखो घनी सारी चीजा का एक नाम के पाछा देखा अपन है, रामफल, रमेश, सुरेश, ये जो भी नाम थे ये आदमिया के थे, तो इन सारे नामा के व्यक्तिया ने आप ही के कहवांगे आदमी, आदमी ने के कहवांगे मैन। और लुगाइया के नाम देखे तो हमने शांति, बिमला, बतेरी, बाला, इस डाल के ये है नाम लुगाइया के, जिन्हें कहवांगे हुमैन। इस डालता है और एग्जाम्पल देखे अपन है, हाँसी, इशार, जींद, कैथल, करनाल, ये जितने भी नाम है इन नापी के कह, अगर आपने शहर, शहर ने इंग्लिश में कह देंगे सिटी। देखो भारत, पाकिस्तान, चीन, दुनिया में ये जितने भी अलग अलग देश हैं, इन खातर कॉमन नाम यूज करा जाएगा इंग्लिश में कंट्री। कंट्री भी कॉमन नाम है, क्योंकि बहुत सारी चीजा ने एक नाम ते दर्शावांगे, एक नाम ते बतावांगे, वह अपनी कॉमन नाउन हो जाएगी। आ गई समझ में? प्रॉपर वो जिसने एक नाम ते बतावा, कॉमन वो घनी सारी चीजा ने सिर्फ एक नाम ते बुलावा, वो कॉमन नाउन। तीसरा देखो भाई, कलेक्टिव नाउन। नाम में तो वेरा पटता होगा, कलेक्ट, कलेक्ट क्या आग रहा, इकट्ठा करना। इव चीजा ने कट्ठे करके एक नाम बना दिया, उनका एक नाम दे दिया, उनका जो ग्रुप हुआ है उसकी एक नाम दे दिया, वो अपना होगा कलेक्टिव नाउन उनका भीतर। इव देखो भाई इसके एग्जांपल, अंगूरा का गुच्छा देखा है, कट्ठा रव है, अंगूरा गुच्छा देखा हो, जमुना का गुच्छा देखा हो, एक कट्ठे रव है, कट्ठे लागा पेड़ पर, गुच्छा का गुच्छा में लागा है, तो इन्हें आप ही कहवांगे कलेक्टिव नाउन। जो अंगूरा गुच्छा उन्हें इंग्लिश में कहवांगे बंच ऑफ ग्रेप्स, और जो जमुना का है उन्हें बंच ऑफ ब्लैकबेरी कह देवांगे। ये एग्जांपल है अपना कलेक्टिव नाउन के। और देखो टीम देखी होगी तुमने, खिलाड़िया तो मिलकर बना है, तो यो अपना टीम भी क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग, यह हो जाएगी अंग्रेजी की डेफिनेशन, कलेक्टिव नाउन हो या सारी। भेड़ बकरिया का झुंड देखा होगा तुमने, वो भी अपना कलेक्टिव नाउन हुआ है। जो भी इकट्ठा ग्रुप बना है वो सारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आवेगा। इव क्लास है, क्लास में छोरे भी होवे है, छोरी भी होवे है, अध्यापक भी होवे है, इन सारे ते मिलकर एक क्लास बना है, कक्षा, ये सारे आ गए अपने कलेक्टिव नाउन में। ये हो अपने कलेक्टिव नाउन। चौथा के यहां अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो है भाई इसी नाउन जिसने आप ना तो देख सकते, ना उसने खा सकते, ना उसने पी सकते, सिर्फ महसूस कर सका। हां तो देखो भाई इसी कोसी कोसी नाउन बच गया अपने दोरा, लव, प्यार, नफरत, एट, इनने का देख सका, लेकिन ये भी नाउन है, ये अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और देखो दिमाग की जितनी भी अवस्था है सारी आएगी
अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इन अवस्था ने आप देख सका हा? कौन देख सकते ना जाते ये आ गया अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक डिजायर गुडविल इच्छा जितनी भी इच्छा हुआ है अपनी उनने क्या पा देख सका हा? सिर्फ महसूस कर सका हा? कल्पना कर सका हा? वे सारी आ गया अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। पचमा है अपना मटेरियल नाउन तो हमने इसका नाम तो ही बेरा पट जाएगा मटेरियल के हुआ है जितने भी पदार्थ के नाम सबस्टांसा के नाम वे सारे आ जाएंगे मटेरियल नाउन में जिस हिसाब से देखा होगा तुमने सोना चांदी पीतल तांबा लकड़ी ये सारे आ गए अपने मटेरियल नाउन में जितने भी अपने पदार्थ है सबस्टांस है ये सारे मटेरियल नाउन में आ गए तो ये अपनी मटेरियल नाउन भी होगी पूरी आगे समझ में जितने भी पदार्थ बच गए वे सारे मटेरियल नाउन में आ गए। इब जो या नाउन बताई गई है तार्तिक देसी हिसाब ते हरियाणवी में इसने एक बार इंग्लिश ग्रामर में और पढ़ लियो जिस या तारा समझ में आ जावा तमी इसने कदे भूलो नहीं 100% क्लियर हो जाएगी या तारी बस तमी इसने एक बार इंग्लिश ग्रामर की किताब में और पढ़ लियो हरियाणवी में समझाई दी तार्तिक बाकी इसके कुछ रूल हो है वे रूल अगली वीडियो में देखेंगे।